Hi girls, welcome back to my channel Kitty Groups Online. मैं हूँ शिवांगी, आपकी host और दोस्त. And today's video is a very different kind of video, जहाँ कि मैं आपको बताने वाली हूँ menstrual cup के बारे में. तो आज का ये video specially उन girls और ladies के लिए है जो कि अब pads use नहीं करना चाहती हैं. वैसे तो pads use करने में भी कोई problem नहीं है, बहुत comfortable होते हैं pads. और आजकल तो बहुत different varieties के sanitary pads available हैं market में, with wings and long and for night and for day everything. लेकिन पैड्स लगाने में जो सबसे बड़ी दो दिक्कतें आती हैं ना, जो कि मुझे लगता है, फर्स्ट इज ये कि जब हम कहीं बाहर होते हैं, हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमेशा ऐसी जगह हमें नहीं मिलती है जहां कि हम पैड को चेंज कर सकें या फिर हम अपने यूज्ड पैड को डिस्पोज ऑफ कर सकें. ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. और दूसरी प्रॉब्लम जो पैड्स के साथ आती है वो होती है लीकेज की, स्टेनिंग की. आप कितना भी अच्छे से उसको लगा लो, विंग्स वाले लगा लो, लंबे वाले लगा लो, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो पैड मूव हो जाते हैं या किसी भी रीजन से हमारे कपड़ों पे स्टेन्स लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड होता है. तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मेंस्ट्रुअल कप. कैसे, ये आपको आगे वीडियो देखने में पता चलेगा. तो वीडियो पूरा देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. जी हाँ, मेंस्ट्रुअल कप को मार्केट में आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो भी इसको यूज़ करने से अभी कतरा रहे हैं, बिकॉज इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है अभी. तो मैंने ये रिसेंटली ऑर्डर किया है अमेजोन से, और मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से दिखता है ये मेंस्ट्रुअल कप. और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको क्यों ये यूज़ करना चाहिए, एंड हाउ यू कैन गेट अ पैड फ्री पीरियड्स. तो इस बॉक्स के अंदर आती है इस तरह की एक पोटली, जिसके अंदर है ये मेंस्ट्रुअल कप. इस तरह का दिखता है ये मेंस्ट्रुअल कप. मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको. तो कुछ इस तरह का दिखता है ये मेंस्ट्रुअल कप. और अगर आप इसका साइज देख के डर रही हैं कि आप इसे कैसे इंसर्ट करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, तो डरिए मत, बिकॉज ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है. दिस इज सिलिकॉन मटेरियल, एंड आप इसको बहुत आराम से खुद से अपनी वजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप है, ये तीन साइजेस में आता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. ये मीडियम वाला साइज है. आप इसको अपने ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं. अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो आपको लार्ज साइज लेना चाहिए, कम फ्लो होता है तो आप स्मॉल साइज लीजिए, और अगर मॉडरेट फ्लो होता है तो आप ये वाला मीडियम साइज ले सकते हैं. इट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन अमेजोन, एंड आई विल पुट द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको खरीदना है तो. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको क्यों पैड की जगह मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए. सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि दिस इज़ एब्सोल्युटली सेफ. ये FDA अप्रूव्ड मटेरियल से बना है. इसको लगाने से आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर आप हाइजीन का ध्यान रखेंगी तो. सेकेंड इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. ये 450 रुपये का ख़रीदा है मैंने, मीडियम साइज, एंड दिस इज़ रीयूजेबल. आप इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, महीनों दर महीनों आप इसको यूज़ कर सकते हैं. एक बार आपने इसको यूज़ किया, आपके पीरियड्स खत्म हो गए, यू कैन वॉश इट. इसको इस पोटली में डाल के आप वापस रख सकते हैं, नेक्स्ट मंथ आप इसे वापस यूज़ कर सकते हैं. सो ये हो गया इसका सेकेंड बेनिफिट. थर्ड बेनिफिट ये हो गया कि ये आपको देता है 8 से 10 घंटे की सुरक्षा. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर ब्लड फ्लो. जिसको ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है तो हो सकता है आपको 6 घंटे के अंदर भी एम्प्टी करना पड़ जाए, बट स्टिल 6 आवर्स का प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है एज कम्पेयर टू दी पैड्स. नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें किसी तरह की कोई लीकेज नहीं होती. आपकी पैंटीज में, आपके कपड़ों में किसी तरह का कोई स्टेन नहीं आएगा. इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ टू यूज़ अगर आपने इसको प्रॉपरली पोजिशन पे लगाया है तो. ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको इसको बहुत अच्छे से पोजिशन करना है ताकि किसी तरह की कोई लीकेज ना हो. एंड आई वुड एडवाइस कि बाहर जाने से पहले आप इसे 1-2 दिन घर में यूज़ करके देख लीजिए. लर्न कि आपको, आप देख लीजिए कि आप इसे प्रॉपरली पोजिशन कर पा रहे हैं कि नहीं अपने अंदर. जब आप कंफर्टेबल हो जाएं इसे, कि जब आपको पता है कि हाँ अभी अच्छे से सेट हो गया है, तब आप बाहर भी जा सकते हैं. इसके बाद इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इको फ्रेंडली है. हम सबको पता है कि आजकल पोल्यूशन कितना हो रहा है, प्लास्टिक बैन हो रहा है, और पैड्स के अंदर भी प्लास्टिक यूज़ होता है, कॉटन यूज़ होती है, जिससे कि बहुत पोल्यूशन ऑब्वियसली फैलता है. सो दिस इज़ पोल्यूशन फ्री. इसमें किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होने वाली है. आपको इसको इंसर्ट करना है, जब ये भर जाएगा आपको इसको निकाल के खाली कर देना है, धो के आपको इसे वापस इंसर्ट कर देना है. तो किसी तरह का कोई पोल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली इको फ्रेंडली. तो ये तो हो गया इसके फ़ायदे. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, तो आपको इसे फोल्ड करके अपने अंदर इंसर्ट करना है.
इसको इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पे स्क्वाट्स की पोजीशन पे बैठ जाएंगे। स्क्वाट्स मतलब उकड़ू वाली पोजीशन पे आप बैठ जाएंगे, या फिर आप इंडियन टॉयलेट सीट पे भी बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको इसे इस तरह से फोल्ड करना है, फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका वजाइना है, आपको इस तरह से इसको आराम से धीरे धीरे अंदर इंसर्ट करना है, और ये कप अंदर जाके अपने आप खुल जाएगा। देखा आपने, ये अंदर जाके एकदम अपने आप खुल जाता है। उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा इस पॉइंट से पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट करना है इस तरह से, ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर फिट हो जाए। इसको लगाने के बाद अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ डाला है आपने, इसका मतलब ये ठीक से पोजिशन नहीं हुआ है। आप इसको थोड़ा सा और हिला के, और जरूरत पड़े तो एक बार निकाल के आप इसे वापस भी इंसर्ट कर सकते हैं। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी बॉडी में कुछ इंसर्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से इंसर्ट हो चुका है, फिट हो चुका है। बस एक बार अगर ये फिट हो गया तो आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, आप अपनी पैंटीज पहन लीजिए और आराम से रहिए, बाकी काम ये मेंस्ट्रुअल कप खुद करता रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। 8 से 10 घंटे के बाद आपको इस मेंस्ट्रुअल कप को रिमूव करना है और फ्लश कर देना है। निकालना कैसे है, निकालने के लिए आपको अगेन स्क्वाट पोजिशन पर बैठना है, या जमीन पर, या फिर इंडियन टॉयलेट सीट पे। इसका ये वाला पार्ट जो नीचे लटक रहा होता है, इसे आप धीरे से पुल करेंगे, इस तरह से पुल करेंगे, ये कप भरा हुआ होगा, और आप इसको, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आराम से आप इसे निकाल सकते हैं, और निकाल के खाली करके जैसा कि मैंने आपको बताया धोकर आप इसे वापस इंसर्ट कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लाइक ये मेंस्ट्रुअल कप लगाकर आप पी कर सकते हैं कि नहीं, आप सूसू कर सकते हैं कि नहीं। तो बहुत आराम से यू कैन पी, जब भी आपके अंदर इंसर्ट हुआ हुआ है तब भी आप बहुत आराम से पी कर सकते हो। आपको पी करने के लिए इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि ये अच्छे से इंसर्ट हुआ हुआ है। अगर ये प्रॉपरली इंसर्ट हुआ हुआ है तो आपको पी करने में बिल्कुल कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये एब्सोल्युटली लीक प्रूफ है। हाँ, अगर ये प्रॉपरली इंसर्टेड है तो ये बिल्कुल लीक प्रूफ है, आपको किसी तरह के कोई दाग अपनी पैंटी पे, अपने कपड़ों पे नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप इसको बहुत प्रॉपरली इंसर्ट कर रहे हो। इसीलिए मैंने बोला कि आप एक दो दिन पहले से घर पे यूज़ करके देखें, व्हेन यू आर श्योर कि हाँ अभी अच्छे से इंसर्ट हो गया है और कोई लीक नहीं हो रहा है, तब आप इसको लेके बाहर, तब आप इसको लगा के बाहर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इसको लगा के आप रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो हाँ, आप बहुत आराम से इसको लगा के हर तरह का स्पोर्ट खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट स्विमिंग भी कर सकते हैं। मैंने करके नहीं देखी है अभी तक स्विमिंग इसको लगा के, लेकिन यस, जितना कि इसके मैनुअल में लिखा है, आप इसको लगा के स्विमिंग भी कर सकते हैं। कितने कमाल की बात है ना। बस तो फिर किस बात की प्रॉब्लम, पीरियड्स की झिकझिक, पैड की गंदगी, चिपचिप, बाहर नहीं जाना है, साइकिलिंग नहीं करनी है, खेलना नहीं है, वो सब चीजें आप बिल्कुल भूल जाइए, हटा दीजिए पैड्स को, स्टार्ट यूजिंग दिस मेंस्ट्रुअल कप, यू कैन थैंक मी लेटर। सो या दिस वॉज माई वीडियो फॉर टूडे। मैं नीचे लिंक डाल दे रही हूँ जहाँ से कि आप ये मेंस्ट्रुअल कप खरीद सकते हैं, खरीदिएगा, यूज़ कीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव लव।